नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 6 सितंबर है और हम बात करेंगे राजस्थान में जारी भारी बारिश के सिस्टम की। सबसे पहले यदि नजर डालें सिनोप्टिक सिस्टम पे, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आज भी उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, जो सतह से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। इसके अलावा एक कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी बंगाल की खाड़ी और आसपास के लगने वाले दक्षिणी उड़ीसा क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। इन दोनों सिस्टम के असर से पिछले 2-3 दिनों से राजस्थान के कई इलाकों में मानसून सक्रिय है। सबसे ज्यादा यदि देखें तो पिछले 24 घंटों में भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। सर्वाधिक शाहपुरा में 105 mm बारिश पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट की गई है। अगले 2-3 दिनों के दौरान इस परिसंचरण तंत्र के असर से पूर्वी राजस्थान में मानसून अधिकांश स्थानों पर सक्रिय रहेगा। ज्यादातर इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं हेवी और कहीं कहीं अति भारी बारिश भी 6 और 7 सितंबर को जारी रहने की प्रबल संभावना है। खासकर जयपुर संभाग, अजमेर, इसके अलावा उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मानसून विशेष सक्रिय रहने की संभावना है। इसके बाद यदि देखें तो 8 और 9 सितंबर को भी दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में मानसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश भागों में मध्यम दर्जे की बारिश, तो कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि 10 सितंबर से पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियों से राहत मिलने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के भी कई इलाकों में अगले 2-3 दिन मध्यम दर्जे की बारिश, तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। इसके बाद यदि देखेंगे तो 8-9 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इनमें जरूर बारिश की गतिविधियों में कमी होगी, भारी बारिश से राहत मिलेगी। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, इनमें अभी भी मानसून अगले 4 दिन, कम से कम अगले 4-5 दिन सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने की भी अगले 2-3 दिन प्रबल संभावना बनी रहेगी। बारिश की यदि बात करें तो आज दिनांक तक पूरे प्रदेश में 615 mm बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है, जो कि सामान्य से 56% अधिक है, यानी 1.5 गुना से ज्यादा बारिश पूरे प्रदेश में हो चुकी है। और एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां पे सामान्य या सामान्य से कम बारिश रिपोर्ट हुई, बल्कि ज्यादातर स्थानों पर अबव नॉर्मल रेनफॉल या एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिपोर्ट की गई। धन्यवाद। भारी वर्षा से निचले इलाकों में कहीं कहीं पर जलभराव हो सकता है तथा सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मेघ गर्जन के समय कृपया घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और यात्रा से बचें। राजस्थान मौसम के अपडेट हेतु कृपया मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से जुड़े रहे। अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक्स व मोबाइल ऐप का उपयोग करें। धन्यवाद।